हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th का लेक्चर नंबर 4। और इसके अंदर हम समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से हम इसको पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आपका क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल किसको बोला जाता है? ठीक है, यहाँ पर दो चार्ज हो, कैसे? आपके सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, टू चार्ज विद सेम मैग्नीट्यूड, टू चार्ज विद सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी कि दो चार्ज होना चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज, नेचर इनका कैसा होना चाहिए बेटा? नेचर इनका होना चाहिए अपोजिट नेचर। कैसा बेटा? अपोजिट नेचर का। ठीक है, अपोजिट नेचर भी इनका होना चाहिए। ये हमारा डायपोल बनाता है। एक बार जरा कंफर्म कर लो कि ब्लर तो नहीं हो रहा है। ठीक है, सही है। चलिए देखिए, अब हमने सपोज किया कि दो चार्ज हमने लिए जो कैसे होने चाहिए बेटा? सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और नेचर उनका कैसा होना चाहिए? अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटा क्या करते हैं, यहाँ पर एक चार्ज हमने लिया, इसका है माइनस क्यू, और दूसरा यहाँ पर है एक प्लस क्यू चार्ज। ये दो चार्ज हमारे हैं, अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर अपोजिट है तभी ये डायपोल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पॉइंट है किसके लिए बेटा? फॉर्मेशन ऑफ डायपोल। ठीक है, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ डायपोल। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये जो डायपोल है ये कुछ डिस्टेंस पर होंगे। ठीक है, ये रहा इनका डिस्टेंस, ठीक, मान लिया हमने। अब देखिए, बिल्कुल सेंटर से जब हम इसके पास आते हैं तो सेंटर से जो इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए, यहां से प्लस टू तक ए होनी चाहिए और माइनस टू तक भी ए होनी चाहिए। यानी कि कह देते हैं कि हम टू ए इसकी डिस्टेंस होगी, यानी कि जो इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए, तब हम इसको डायपोल बोलेंगे। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नेचर इसका अपोजिट होना चाहिए। ठीक साहब, ये रहा अपना डायपोल, तब ये डायपोल हमारा फॉर्म करेंगे। अब बेटा डायपोल का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू ट्वाइस क्यू इंटू ए, ये हमने इसकी स्केलर फॉर्म लिख दी। क्या लिख दी बेटा? स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो P इज इक्वल टू ट्वाइस ए इंटू क्यू लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी कैसी होती है बेटा? वेक्टर फॉर्म होती है। क्या होती है इसकी? वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बेटा इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है, देखिए चार्ज हमारा क्या है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, यानी कि कूलम्ब मीटर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम इसको और दूसरी यूनिट से देखना चाहें तो हम जानते हैं बेटा कूलम्ब की जो यूनिट होती है वो कितनी होती है? एम्पियर सेकेंड। ठीक है, दूसरी अगर इसकी यूनिट देखें तो यूनिट इसकी हो जाएगी दो। सबसे पहली चीज होगी कूलम्ब, सेकेंड वो कूलम्ब मीटर। ठीक है, और दूसरी यूनिट होती है इसकी कितनी? एम्पियर मीटर इनटू सेकंड। डायमेंशन फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो बेटा डायमेंशन फॉर्मूला हमारा सीधा सीधा कितना हो जाता है? कूलम्ब की होती है ए टी और इसकी होती है एल। या तो हम इसको लिख देंगे ए टी एल या फिर लिख देते हैं एल टी ए, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायपोल है कैसी क्वांटिटी बेटा? वैक्टर क्वांटिटी है। कैसी है बेटा? वैक्टर क्वांटिटी, वैक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी डायरेक्शन कहां से काम होती है? डायरेक्शन होती है इसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव। कैसी होती है बेटा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इसकी ये डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है इसकी बेटा कैसी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर हो गया? चलिए, इतना समझ में आ गया, ये हमारा डायपोल के बारे में हो गया। ठीक, अब दूसरी चीज है, डायपोल यहां पर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक डायपोल है, डायपोल की जो डिस्टेंस दे रखी है आपको, डिस्टेंस ट्वाइस एंगस्ट्रम, यानी कि टू एंगस्ट्रम का ये एक डायपोल है जिसकी डिस्टेंस है टू एंगस्ट्रम, और इसके ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो है हमारा 6 माइक्रो कूलम। ठीक, तो अब इसका सीधा सीधा हमें डायपोल निकालना है, डायपोल मूवमेंट निकालना है इसका। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल टू ट्वाइस ए इंटू क्यू। अब देखिए, ये जो डायपोल है 6 माइक्रो कूलम के रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पर ये प्लस 6 माइक्रो कूलम का होगा और ये होगा माइनस 6 माइक्रो कूलम का, और जो हमें डिस्टेंस दे रखा है 2 एंगस्ट्रम, तो इस 2 एंगस्ट्रम को हम पूरा 2 एंगस्ट्रम लिख देते हैं। ठीक है,
अब जब इसका फॉर्मूले के अंदर इसको हम पुट करेंगे तो क्या होगा बेटा, ये जो 2a है ठीक है, एंगस्ट्रम को अगर हम चेंज करते हैं तो एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर की, ठीक है, और माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, क्यू तो हमारा कितना हो गया, क्यू हो गया हमारा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइक्रो 6 कूलम, ठीक है, और जो डिस्टेंस है हमारा 2a, 2a हो गया हमारा कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। देखिए अक्सर का लोग गलती करते हैं कि 2 से 2 पहले काट लेंगे, फिर a निकालेंगे, फिर फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा 2a की जगह ही हम 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर रख देते हैं। तो p इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 2a की जगह रखा हमने 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक। और डिस्टेंस हमारा कितना है, डिस्टेंस हमारा 6 माइक्रो कूलम, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। इसको रख दिया 6 टू द 12 हो गया 10 की पावर माइनस 10, और माइनस 6 कितना हो गया 10 की पावर माइनस 16, कितना हो गया 10 की पावर माइनस 16 कूलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है, ठीक है, कूलम मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 कूलम मीटर। ये हमारा डाइपोल, ठीक है। डायरेक्शन अगर इसकी बात करेगा तो डायरेक्शन सीधा सीधा होगा हमारा कितना, माइनस 6 से प्लस की ओर, यानी कि इसकी डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की ओर, ठीक है, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। ये हमारा डायपोल हो गया, क्लियर, इतना समझ में आ गया डायपोल के बारे में। अब बेटा इसका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो सीधा सीधा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा आपका, कि चार्ज पूछ लेगा इसके ऊपर चार्ज कितना रखा है, डायपोल हमको दे रखा होगा, डायपोल मोमेंट की वैल्यू दे रखी होगी। अब सीधा सीधा आता है बेटा एक क्वेश्चन और, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ डायपोल, यानी कि डायपोल के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखानी है, वो कैसी होती है, ठीक। तो हम जानते हैं बेटा यहां पर होता है नेगेटिव चार्ज और यहां पर होता है हमारा क्या, पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमारी कहां से कहां निकलती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम दिखाएंगे इसको इस तरफ, माइनस क्यू से प्लस की, और ये हो गया हमारा माइनस क्यू से प्लस की तरफ। इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट और भी लाइनें दिखा सकते हैं। ये लाइनें जो है डिपेंड करती है कि कितना कूलम का चार्ज आपका दे रखा है, कितना माइक्रो कूलम है या कितना कूलम का चार्ज है, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अब इसकी डायरेक्शन दिखानी है, तो डायरेक्शन होती है हमारी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, और इसकी डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव आउटवर्ड दिखाता है, नेगेटिव इनवर्ड दिखाता है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा फॉर्मूला आता है इसका। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन दे देते हैं जिससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर एक चार्ज रखा, ठीक है, एक डायपोल हमने बना लिया, यहाँ पर है हमारा प्लस 2 माइक्रो कूलम और यहाँ पर है हमारा माइनस 2 माइक्रो कूलम, और इसकी जो डिस्टेंस है वो है 1 एंगस्ट्रम, कितनी है 1 एंगस्ट्रम। सबसे पहली चीज इस पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम इसके ऊपर टोटल चार्ज की वैल्यू निकालेंगे कि टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा आपका क्या, टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, यह आपको बताना है। दूसरा, इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, बी फोर्स भी हम इसके अंदर निकाल सकते हैं। दूसरा, इसका हम निकालेंगे क्या बेटा, डायपोल मोमेंट, क्या निकालेंगे, डायपोल मोमेंट इसके अंदर कितना है, इसकी बात हो गई, ठीक है। डायपोल मोमेंट हो गया, डायपोल मोमेंट के बाद में हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसके ऊपर ड्रॉ करनी है हमको, ठीक। दूसरा है, ये चार ही चीजें हैं, अभी हम इसको निकाले, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज, अगर हम इसके ऊपर बात करें टोटल चार्ज, तो डायपोल के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो। तो पहला क्वेश्चन होगा हमारा ए, टोटल चार्ज, तो क्यू टोटल इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। अगर हम इसको चार्ज वन मान लें, इसको टू मान लें, ये चार्ज वन है और ये चार्ज है हमारा टू, तो हम सीधा सीधा है कितना दे रखा है हमको, प्लस 2 माइक्रो कूलम, प्लस यहाँ पर दे रखा है माइनस 2 माइक्रो कूलम। जब इसको सम करेंगे तो प्लस 2 माइक्रो कूलम माइनस 2 माइक्रो कूलम, सर कूलम कैंसिल हो गया, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आया, जीरो आ गया, क्या आ गया, टोटल चार्ज इसके ऊपर जीरो हो गया। अब हमको निकालना है क्या बेटा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो हम जानते हैं फोर्स F इक्वल टू कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये।
अब देखिए यहाँ पर के कितना होगा 1/4 pi epsilon naught, क्योंकि ये एयर के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, सबसे पहली चीज। तो ये होगा हमारा 1/4 pi epsilon naught, तो 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 हमारा कितना है 2 × 10⁻⁶, इनटू 2 कितना है 2 × 10⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस कितने दे रखी है 1 एंगस्ट्रम, तो 1 × 10⁻⁰ का होल स्क्वायर। यहां से हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इसका बेटा क्या पता कर लेंगे, नेचर, क्या पता कर लेंगे नेचर, ठीक है। दूसरा इसके ऊपर ग्राफ भी इसका प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 × 4 = 36, 36 × 10⁻⁹ जाएगा तो माइनस का 3 अपॉन 1 × 10⁻²⁰, माइनस 20 को ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा बेटा प्लस का 36 × 10⁻²⁰ में से कितना चला जाएगा बेटा 20 में से माइनस 3 जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 20 − 3, तो ये हो गया 36 × 10⁷, कितना हो गया 17, 23.6 × 10⁸ कितना हो गया 80। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इतने न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा और नेचर इसका बेटा कैसा होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा, क्या होगा बेटा अट्रैक्टिव नेचर, क्लियर, अट्रैक्टिव नेचर। अब यहाँ पर देखिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1 का मैग्नीट्यूड जो है कितना है सिर्फ 0 बड़ा है, ठीक है, कैसा है बेटा 0। तो हम जानते हैं इसका नेचर कैसा होगा बेटा, अट्रैक्टिव होगा, कैसा होगा अट्रैक्टिव नेचर। और अगर अट्रैक्टिव नेचर के ऊपर ग्राफ की बात करी जाएगी, ग्राफ अगर हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम जानते हैं सीधा सीधा फोर्स और डिस्टेंस के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्या फोर्स और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ, तो ये रहा हमारा फोर्स और ये रहा हमारा डिस्टेंस। तो हम जानते हैं फोर्स और डिस्टेंस ये कैसा नेचर दिखा रहा है बेटा, अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव नेचर कैसा होता है नेगेटिव साइन के साथ आता है। जब नेगेटिव साइन के साथ आया तो हम जानते हैं बेटा ग्राफ कैसा होता है इसका, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये होगा हमारा, इस साइड नहीं ले सकते क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तभी मिलकर नेगेटिव बनेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये अट्रैक्टिव के लिए आता है, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें इसकी डायपोल मूवमेंट की, तो डायपोल मूवमेंट हमारा कितना होता है c निकालना है, तो p इक्वल टू ट्वाइस a इनटू q, ठीक है। दोनों चार्ज का डिस्टेंस कितना है 1 एंगस्ट्रम है, यानी कि 10⁻⁻, 2a की जगह कितना लिखेंगे 10⁻⁻, और q की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 2 μC, तो 2 × 10⁻⁶ हो गया, ठीक है। तो आंसर आ कितना गया 2 × 10⁻⁶ कूलम मीटर आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे आती हुई दिखाते हैं, एक लाइन ऐसे जाती हुई और एक लाइन ऐसे जाती हुई दिखाते हैं। तो हम जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इसकी इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बेटा इस तरफ जाएगी, यानी कि डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन बेटा इसका इस तरफ होगा, क्लियर हो गया, तब आ गया। तो याद रखना बेटा डायपोल का नेट चार्ज 0 होता है लेकिन फोर्स इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि फोर्स 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब इसके ऊपर कूलम फोर्स लगा देंगे तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हम जानते हैं बेटा ये वाला चार्ज तो इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा और ये वाला चार्ज इस तरफ आएगा, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो नेचर इसका है वही नेचर उसका भी है, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो अट्रैक्टिव दिखाएगा, जितना मैग्नीट्यूड 1 2 के ऊपर लगाएगा फोर्स का उतना ही 2 1 के ऊपर लगाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी वैलिड कर देगा, क्लियर हो गया। चलिए डायपोल मोमेंट आ गया, अब आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन के ऊपर, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर रखा है आपका -2 कूलम और यहाँ पर रखा है आपका +Q कूलम और यहाँ पर रखा है आपका +Q कूलम, ठीक है। अब ये क्या है, एक डायपोल फॉर्म करेंगे, हायस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है इनका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ठीक। तो हम जानते हैं बेटा इसका कैसा है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये इस तरफ और ये इस तरफ, मान लो ये डायपोल नेचर बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले को अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर ले लिया हमने एक -Q कूलम और यहाँ पर ले लिया एक -Q कूलम, ये इधर की तरफ आ जाएगा +Q कूलम भी और ये इधर की तरफ आ जाएगा। अब ये बेटा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम जानते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये तो इस तरफ जा रहा होगा और मान लो ये इस तरफ जा रहा होगा। अब ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मिल चुकी है, अब हम क्या करेंगे जब इनका रिजल्टेंट निकालना होगा तो इसके पीछे सीधा सीधा मिड में से जाता है, तो हम जानते हैं कि इसका डायपोल मूवमेंट तो इस तरफ है और इसका डायपोल मूवमेंट इस तरफ है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल इनके सेंटर से होता हुआ जाएगा। मान लीजिए
कि यहां पर कुछ एंगल भी दे रखा हो, मान लिया मैंने एंगल है 60 डिग्री, अब इसका मुझे डायपोल निकालना है, तो हम जानते हैं मान लिया मैंने कि जब ये डायपोल फॉर्म करेगा तो इसका ये हो गया 2a और मान लिया मैंने इसकी ये डिस्टेंस हो गई 2a, यानी कि दो डिस्टेंस हमें दे रखी है। अब इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमने मान लिया कि ये तो बना रहा है p1 और ये बना रहा है आपका p2, ठीक है, क्लियर। दोनों का देखो p1 का जो मैग्नीट्यूड है वो p2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो मैंने मान लिया कि इनका मैग्नीट्यूड है p, ठीक है। अब मुझे इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट इक्वल टू कितना होगा, अंडर रूट p1 का स्क्वायर प्लस p2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस p1 p2 cos थीटा हम लगा देंगे। थीटा हमें गिवन है कितना है 60 डिग्री, ठीक है। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पहले हम इस जनरल कंडीशन बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका p स्क्वायर और p इंटू p, तो ये हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से ये कितना हो गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, ठीक। 2p स्क्वायर में अगर कॉमन ले लूं तो ये मेरा मिल जाएगा p बाहर आ गया, ठीक है, p कितना आ गया बाहर और ये भी 2p है, ठीक है। चलो रुक जाओ, इसको मैं इधर से बाहर लेता हूँ, 2p स्क्वायर आ गया मान लो, ठीक है, 2p स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा p अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। अब मैं इसकी वैल्यूज के अंदर लगा देता हूँ, तो देखो बेटा कितनी वैल्यू आई, ये हमें याद रखना है, अगर हम ऐसे याद नहीं कर सकते तो थीटा से कन्वर्ट करके निकाल देंगे, तो p इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, p रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट p। अब p की वैल्यू तो हमें केवल p ही दे रखी है, अंडर रूट 2 हमारा साथ में है, तो ये हो गया हमारा कितना, अंडर रूट 2p अंडर रूट 1 प्लस cos 60। अगर 60 की वैल्यू हमें पता है तो हम सीधे सीधे इसका आंसर निकाल लेंगे, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो sin 30 की होती है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया, कुछ निकल के देखते हैं, अंडर रूट 2p 1 प्लस ये कितना हो गया cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया हमारा कितना, p स्क्वायर 2p स्क्वायर ले गया कॉमन, ठीक, अंडर रूट 2, ठीक, तो ये हो गया हमारा कितना, अंडर रूट 2p अंडर रूट 2 प्लस 1/2, तो कितना हो गया अंडर रूट 2p और ये हो गया हमारा अंडर रूट 3/2, ठीक। इससे हम आंसर इसका निकाल देंगे, ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा चीज है, अगर हम इसको देखना चाहें यहाँ पर कुछ क्या गलती है, नहीं है, सही है, यह आ गया हमारा हमारा कूलम मीटर, और चाहे इसको आगे सॉल्व कर लें तब भी हम इसको निकाल सकते हैं, क्लियर। चलिए अब आता है हमारा सीधा सीधा क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद में आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट यहाँ क्यों आया, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल तीन कंडीशन से निकलती है, सबसे पहली चीज आती है एक्सियल कंडीशन, फिर दूसरा आता है हमारा इक्वेटोरियल कंडीशन और तीसरा आता है हमारा जनरल कंडीशन, ठीक है। तो देखिए एक्सियल कंडीशन एक तो होती है एक्सियल कंडीशन, दूसरी होती है हमारी इक्वेटोरियल कंडीशन, इक्वेटोरियल कंडीशन, ठीक, और तीसरी है हमारे पास जनरल कंडीशन, जनरल कंडीशन, और फिर तीसरा होता है इसका हमें डायरेक्शन निकालना है, क्या डायरेक्शन। तो डायपोल में ये चार कंडीशन चलती हैं, ठीक। अब देखिए ये अगर आपने डायपोल बनाया, यहां पर मैं लेता हूं डायपोल, ठीक, ये हमारा एक डायपोल है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे उतारता हूं इसको, यहां पर रख दिया मैंने एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पर रख दिया मैंने एक नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर रखता हूं मैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये रहा मेरा दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा मेरा इसका सेंटर O, ठीक, और हम जानते हैं सेंटर O यहां से डिस्टेंस होती है A और यहां से डिस्टेंस होती है A, ठीक है। अब देखो सेंटर से हम क्या करें, एक्सिस के अलोंग चले जाएं, तो ये हमारी कंडीशन होती है एक्सियल कंडीशन, क्या होती है एक्सियल कंडीशन। अगर मैं छोटा सा यहां पर बना लेता हूं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक, तो देखिए
इस एक्सिस के अलोंग अगर मैं जाऊंगा, डाइपोल अगर किसी भी एक्सिस पर पड़ा एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो तो वो एक्सियल कंडीशन कहलाती है। शर्त ये है कि डाइपोल किसी एक्सिस पर होना चाहिए, ठीक है। अब भैया हम क्या करें इसकी एक्सियल कंडीशन, तो सेंटर से मैं इस डिस्टेंस पर चला जाऊं, ये मेरी एक्सियल कंडीशन होती है, और सेंटर से मैं इस डिस्टेंस पर आ जाऊं तो ये भी मेरी एक्सियल कंडीशन है, ठीक है। अब करना क्या है, कुछ नहीं, सेंटर से मैं आर डिस्टेंस पर जाता हूं, मेरा मान लिया यहां पर है एक पॉइंट पी, एक्सियल कंडीशन ले लिया, तो मैंने यह है पॉइंट ए, क्या है ए। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस यहां पर जो होता है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ होता है, अब ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो मैं जानता हूं ये इसके ऊपर रिपल्शन लगाएगा, क्या लगाएगा बेटा रिपल्शन। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड जाती है, क्या जाती है आउटवर्ड, तो मैंने आउटवर्ड लिया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और इसको मान लेता हूं मैं कितना है बेटा मेरा ईवन, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कहां आती है इनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको मैं मान लेता हूं ईवन, ठीक है। अब देखिए मैं जहां भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से लूंगा वो ईवन लूंगा, और जहां भी मैं नेगेटिव चार्ज की वजह से लूंगा वो ईवन लूंगा, ठीक है। अब देखिए हम यहां पर समझते हैं कि यहां एंगल हमारा बना कितना है, ठीक है, तो यहां पर जो एंगल होगा हमारा पाई डिग्री होगा, कैसा होगा बेटा पाई, पाई को कितना लिखते हैं 180 डिग्री, क्लियर। अगर मैं इस वाले पॉइंट पर इसका रिजल्टेंट निकालूंगा ई रिजल्टेंट ए पर, ठीक है, ए पर जब मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो पॉजिटिव चार्ज ये वेक्टर क्वांटिटी ले ली ईवन प्लस ई। अब देखो कौन नेगेटिव में कौन आया ई टू, तो मैं ई टू को नेगेटिव कर लूंगा तो ईवन माइनस ई टू हो जाएगा मेरा, ई ए के ऊपर मेरा रिजल्टेंट आ गया, क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इस एक्सिस के ऊपर जो हमारा फॉर्मूला आएगा एक्सियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है कितना बेटा, यहां पर लिख देता हूं E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught twice P upon R cube, कितना होता है E is equal to twice P upon R cube, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। दूसरा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि E एक्सियल कंडीशन पर होता है 1 upon 4 pi epsilon naught twice P upon R square minus X square या A square की पावर 3/2, ये मेरा फॉर्मूला होता है वैसे तो इसका, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ डायपोल के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर देता हूँ, तो ये फॉर्मूला आ जाता है कि मेरा इस तरह से बन के, ठीक है, ट्वाइस पे फोर आर क्यू। और याद रखना बेटा पी की जगह हम कितना लिख सकते हैं 2q into a, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई ए इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught twice qa upon x square minus a square की पावर 3/2। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल हम निकाल रहे हैं किस कंडीशन में, एक्सियल कंडीशन में, ठीक है। अब एक्सियल कंडीशन का फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये वाला, क्लियर। दूसरा हाँ एक्सियल कंडीशन हो गया। अब यहां पर देखिए बेटा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डाइपोल के, और ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके 1 अपॉन आर क्यूब के। तो हमें एक चीज याद करना है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे बाद में, ठीक। इनके बीच में हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, ये हमारा स्ट्रेट लाइन होगा और ये हमारा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा। जब हमारा आर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट हो जाता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट होगा तो आर जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो इसका ग्राफ सीधे बाद में देखेंगे, ठीक है, सिग्निफिकेंस जब हम बात करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्सेल कंडीशन के अंदर फॉर्मूला आ गया। अब दूसरी कंडीशन आती है हमारी क्या, इक्वेटोरियल कंडीशन। कौन सी, इक्वेटोरियल कंडीशन, ठीक, इक्वेटोरियल कंडीशन। तो बेटा इक्वेटोरियल कंडीशन के अंदर क्या होगा, डायपोल अब एक्सिस पर ना होकर परपेंडिकुलर चला जाएगा, या जो पॉइंट लेंगे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो मैंने बनाया यहां पर एक डायपोल, ये रहा मेरा एक डायपोल, यहां पर रखता हूं मैं बेटा नेगेटिव चार्ज, और यहां पर रखता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ अगर बेटा इधर की तरफ आ जाए तो यहां भी देख सकते हैं, अगर मान लो मैं पॉइंट यहां पर रख दूं, ठीक है, पहले इसको और मान लें, तो नेगेटिव चार्ज पे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड जाएगा यानी कि ई, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज पे से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा आउटवर्ड चला जाएगा।
सेम कहानी वही बन रही है, बस इसमें क्या हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस तरफ गया है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गया है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं रिजल्टेंट लिखना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं बेटा E2 - E1, क्लियर, सेम इसी के जैसा, क्लियर। चलिए अब आइए जरा इधर की तरफ भाई साहब। तो देखो इसमें मुझे जब इलेक्ट्रिक फील्ड मानना होगा डाइपोल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं तो कोई एक सेंटर मैं पकड़ लूंगा, ये है मेरा सेंटर, ठीक है, ये मैंने कोई सेंटर ले लिया और इस सेंटर पर मैं ऊपर की तरफ अगर रख दूं, ठीक है, अरे यार वो कह रहे हैं चलो इधर ही देखते, तो मैं परपेंडिकुलर नीचे की डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ, यहाँ भी मैं आर पॉइंट रख सकता हूँ, ठीक है, आर मीटर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट रख लूँ। तो ये कौन सी कंडीशन है, इक्वेटोरियल कंडीशन, मैंने मान लिया पॉइंट है पी यहाँ पर पी। तो हम जानते हैं बेटा अब डाइपोल की इस साइड से जो डिस्टेंस होता है ए, और यहाँ पर जो होता है कितना बेटा ए, क्लियर, ठीक है। अब करना क्या है हमको, कुछ नहीं, अब इस पॉइंट पी पर देखना है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस यहाँ पर भी आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस हमारा यहाँ होगा, क्लियर। सेम हमें इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ले सकते हैं ये वाला पॉइंट ले सकते हैं या ये वाला पॉइंट ले सकते हैं। अब देखो हमें क्या क्या है निकालना है सीधा सीधा, ठीक है, देखिए अब यहां से मान लीजिए कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा, यहां से भी कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर सेंटर से ऊपर की तरफ गए तो मैंने मान लिया यहाँ की डिस्टेंस है आर। अब इससे हम क्या लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो ये जो डिस्टेंस मिल जाएगी मुझे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगी और ये भी मुझे कितनी मिल जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल जाएगी। आप सीधे सीधे समझते हैं बेटा यहाँ पर वेक्टर कंडीशन बनेगी कैसे, देखो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव है तो इसका आउटवर्ड इधर जाएगा, ये रहा आउटवर्ड डायरेक्शन, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है इनवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमें कितना लेना है बेटा E1 और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें कितना लेना है E2। अब जब ये थीटा एंगल पर इस तरह से जा रहा है तो हम जानते हैं कि ये प्लेन के अंदर है, ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी, तो मैंने मान लिया कि ये इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट और ये हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट, क्योंकि जब हम थीटा यहां से मानते हैं तो ये भी हमारा कितना होता है थीटा, इसको हम ले देंगे कितना E1 cos थीटा पॉजिटिव चार्ज की वजह से और ये हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा नेगेटिव उसके परपेंडिकुलर और इसका ये हो गया बेस, ठीक है। अब आते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और एक परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है, और दूसरा इसका क्या होगा बेस पर जाएगा। तो हमने मान लिया ये बनाएगा हमारा कितना E2 cos थीटा और ये बनाएगा हमारा E2 sin थीटा, इतना क्लियर। अब देखो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर और अपोजिट और सेम होने की वजह से क्या हो जाएंगे एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर देखें तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या है एक दूसरे का अपोजिट है, याद रखना E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पर वो बराबर होता है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि चार्ज बने हैं, चार्ज सेम है, अगर चार्ज सेम है तभी ये डायपोल बनाएगा, ठीक है। तो हम इससे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर होता है एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन से खत्म कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट जो आएगा हमारा इक्वेटोरियल कंडीशन पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा आ जाता है, ये हमारी रिजल्टेंट की कंडीशन होगी। और हम जानते हैं जब यहाँ पर E रिजल्टेंट निकाला जाता है तो ये हो जाता है हमारे कितना ट्वाइस E cos थीटा, सही है। सेम अगर इधर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड की तरफ होता है और ये आउटवर्ड होता है। तो इसका एक ये बनाएगा एक ये और एक ये क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो फॉर्मूला मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मिलता है इक्वल टू इक्वेटोरियल कंडीशन पे 1/4πε0 P/r³ मिलता है, कितना r³। दूसरा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 P/r² r² + a² / 3/2, ठीक है। और P को हम कितना लिख सकते हैं, E को हम लिख सकते हैं 2qa, तो E इक्वेटोरियल कंडीशन कितना आ जाता है 1/4πε0 P /
पीजी अगर रखेंगे हम 2qa, क्या रख देंगे 2qa x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारा इक्वेटोरियल कंडीशन का हमें फार्मूला मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जनरल कंडीशन की। तो जनरल कंडीशन में क्या होता है, जनरल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कौन सा बेटा जनरल कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल कंडीशन किसकी, डायपोल की, जनरल कंडीशन किसकी बेटा डायपोल की, तो ही निकाल रहे हैं। ठीक है, जनरल कंडीशन में क्या होगा, डायपोल हमारा ना ऐसे होगा एक्स एक्सिस पर ना ऐसे होगा, लेकिन डायपोल अगर हमारा होगा तो किस तरह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कहीं पर लाई कर रहा होगा। तो हमने मान लिया कि ये जो हमारा डायपोल है भाई साहब, ये ऐसे घूम गए हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर हो जाता है हमारा प्लस क्यू। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जनरल कंडीशन। क्या बोलते हैं, जनरल कंडीशन। मान लिया हमने कि बेस से ये हमारा थीटा घूमा हुआ है, कितना बेटा थीटा घूम गया यहाँ से, तो ये होती है हमारी जनरल कंडीशन। ठीक है, और जनरल कंडीशन का जो फॉर्मूला आता है हमारा निकल कर, देखो ये है जनरल कंडीशन, यहाँ पर है हमारा पॉइंट पी। अब हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाता है, ये तो हो गया हमारा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दिखाई देगा, क्योंकि नेगेटिव इस तरफ आ चुका है। ये रहा हमारा नेगेटिव की वजह से, इसको हम बोलते हैं ई एक्सियल कंडीशन, जो हमारी होती है ई एक्स, और ई एक्स हमारा होता किसके बराबर है, असल में ई एक्सियल कॉस थीटा के बराबर, और ये होता है हमारा कितना, फाइनल कंडीशन। और दूसरी चीज एक और देख रहे हैं, ये है हमारा ई वाई और ये है ई एक्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो तो है थीटा, और ये है हमारा अल्फा, क्या है अल्फा, जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट एंगल। तो यहाँ पर जो हमें फॉर्मूला मिल जाता है वो सीधा सीधा मिलेगा इक्वल टू अंडर रूट ई एक्सियल कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये मिलता है हमको। क्लियर, तो सीधे सीधा अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला हमारा बन जाता है ई इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इस वाले को हम कितना लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल, तो ई एक्सियल इक्वल टू ई इक्वेटोरियल अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, यह आया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, देखिए तीनों चीजों के अंदर हमने क्या देखा, तीनों कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डायपोल के, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन होता किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब के, वन अपॉन आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है साहब, तो पहला जो कंडीशन हमें मिली यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा जनरल बना देता हूँ, ये है एक्सियल, ये है इक्वेटोरियल, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलता है इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एफ, इधर हम डायरेक्शन की ओर बात कर लें तो हम जानते हैं इसको अगर इधर की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो ट्राइंगल बना लेगा, ये हो जाएगा हमारा ई वाई और ये हो गया हमारा थीटा, तो इसको तो लिख देते ई एक्स और इसको लिख देते ई वाई, तो फॉर्मूला आता है हमारा डायरेक्शन निकालेंगे टेन अल्फा इक्वल टू वन अपॉन टू टेन थीटा, इससे हम डायरेक्शन इसकी निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये एक बात और, रिलेशन कितना होता है ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल रिलेशन, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ई एक्सियल, एक्सियल कंडीशन में कितना आता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी अपॉन आर क्यू, और ई इक्वेटोरियल कंडीशन में कितना आता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू, इन दोनों के अगर रेशियो निकाले जाएं तो ई एक्सियल इक्वल टू हो जाता है ट्वाइस ई इक्वेटोरियल के बराबर, यानी कि अगर एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है तो इक्वेटोरियल कंडीशन में कितनी हो जाएगी उसकी 4, अगर एक्सियल कंडीशन में आपकी 2-4 है तो इक्वेटोरियल में कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, तो याद रखना 2 के मल्टीप्लीकेशन से ये बढ़ता है। ठीक है साहब, अब सीधा सीधा बात कर लें यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा पी अपॉन आर क्यू, ट्वाइस पी अपॉन आर क्यू, यहाँ पर जो होता है ई कितना होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू,
और यहाँ पर कितना होता है E जनरल इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और डायरेक्शन की कितनी आती है tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा से निकल कर आ जाती है। क्लियर, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब जो हमें तीन फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूलों के अंदर हमने क्या देखा, E इक्वल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P के, ठीक है, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है 1/r³ के। तो यहाँ पर अगर देखें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मालूम चल जाता है कि जितना डाइपोल होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़िया बनेगा, दूसरा जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा बनेगा। ठीक है साहब, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो बेटा इसका ग्राफ जो होता है इस तरह से जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तब, ठीक है, और ये होता है हमारा इस तरह से ई और आर के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं तो ये मिल जाता है। ठीक है साहब, चलिए हो गया है, चलिए देखिए अब एक क्वेश्चन है, ये डायपोल भैया आपके रखे हुए हैं माइनस क्यू और ये है आपके प्लस क्यू, ठीक है, और जो डिस्टेंस है आर सेंटर से जो डिस्टेंस आपकी दे रखी है वो है आपकी 3 मीटर डिस्टेंस पर, कितना बेटा 3 मीटर डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इनका जो डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट है आपका वो है 2 कूलाम मीटर, ठीक है, तो एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जनरल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इक्वेटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और दूसरा आपका इक्वेटोरियल हो गया जनरल कंडीशन होगा इसकी डायरेक्शन कितनी होगी ये है। तो बेटा अगर हम बात करें एक्सियल कंडीशन की यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, तो सीधा सीधा फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 ट्वाइस P अपॉन आर क्यूब होता है हमारे पास, कितना होता है आर क्यूब, ठीक है, लगा दे फॉर्मूले के अंदर तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ 2 × p, डायपोल मोमेंट हमें दे रखा है 2 कूलाम मीटर, कितना 2 कूलाम मीटर अपॉन आर क्यूब हमारी कितनी है, आर है हमारी 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 का होल क्यूब, तो 2×9 × 2×2×10⁻⁹ अपॉन, ठीक है, हाँ सही है, 3×3 = 9, 9×9 = 27, तो ये हो गया 9 × 3 = 9 और 9×9 = 27, 9 × 3 लिख सकते हैं, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6/3 × 4/3 × 10⁻⁹, तो ये हमारा 3/4 लिखते हैं या 3 × 3, 3×3 = 9, 3×3 = 9, अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर आ जाएगा 1.34 × 10⁹ न्यूटन पर कूलम और दूसरी होती है इसकी वोल्ट पर मीटर, सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की फॉर्मूला। अब इसी के अंदर कहता है कि जब ये आर पॉइंट जो है हमारा जनरल कंडीशन ना आके इक्वेटोरियल कंडीशन में आ जाए तो हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ पर निकालने के, ठीक है, एक तो ये होता है इक्वल टू 1/4πε0 P/r³, सीधे सीधा इससे निकाल सकते हैं, ठीक, तो निकाल रहे कितना हो गया 9 × 10⁻⁹ × 2 कितना हो गया 9 × 3, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 2/3 × 10⁻⁹, ठीक है, यानी कि इसको अगर हम 3 ना जाने का 0.3687 × 10⁻⁹, ठीक, या तो हम इससे निकाल दें या दूसरा हमारे पास फॉर्मूला बना था कितना E एक्सियल इक्वल टू होता है ट्वाइस E इक्वेटोरियल के, ठीक है, तो E एक्सियल में कितना आया हमारा, E एक्सियल में था, E एक्सियल में यहाँ से ले लेता हूँ 4/3, कितना 4/3 × 10⁻⁹ इक्वल टू 2 E इक्वेटोरियल, 2×2 = 4, तो देखो वही आ गया 2/3 × 10⁻⁹, या तो इस रिलेशन से या फिर इस रिलेशन से हम कर सकते हैं, ठीक है साहब। तीसरा जनरल कंडीशन की अगर बात करें तो मान लो मैं जनरल कंडीशन ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो जनरल कंडीशन का फॉर्मूला हमारा कितना होता है, तो बेटा इसके लिए थीटा गिवन होना चाहिए, कितना थीटा, मान लेते हैं कि थीटा है हमारा कितना 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है, तो इक्वल टू कितना होगा 1/4πε0, ठीक है, कितना होता है P/r³√3 cos² θ + 1, या तो हम बेटा यहाँ पर रख के निकाल दें या फिर हमने देखा इक्वेटोरियल में कितना है 2/3, इस तरह से, तो
तो ये हो जाएगा 2/3 × 10⁹ अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? cos 60 है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 कितनी होती है? हां 1/2। 1/2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 क्या हो जाएगा? 1/4 देखो बेटा देता हूं, ये होगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा कितना 3/4 2/3 × 10⁹ और ये हो गया हमारा कितना 3/4 ठीक है 3/4 + 1 और सॉल्व करेंगे तो 3 + 10 कितना हो जाएगा 2/3 √ कितना 10⁹ और ये कितना हो गया 7/4 N/C तो नहीं छोड़ते बेहतर है हमारा लिए। तो एक्सेल कंडीशन जनरल कंडीशन सब में हमने इसको निकाल लिया क्या होता है। अब अगर हम बात करें इसकी ग्राफ की ठीक है, अगर हमें इसका ग्राफ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो ये रहा, मान लेता हूं मैं ये मेरा ग्राफ है भैया ठीक है, ये क्या है ग्राफ है। चलो आपको हर पॉइंट पर निकालना है ई एक्सियल इक्वल टू होता है आपका 2 इक्वेटोरियल ठीक, इस तरह से हम निकालेंगे। तो एक्सियल की वैल्यू हम पहले रखेंगे 1 फिर रखेंगे 2, तो हम जानते हैं देखो जैसे अगर एक्सियल पर हमने 1 रखा तो इक्वेटोरियल पर हमें कितना मिलेगा? इस पर रखते हैं हम 1 तो इक्वेटोरियल पर कितना आ जाएगा 4 नहीं, इसको अगर 1